तो अब हम पहुंच गए हैं ग्रैंड आइसलैंड में और अब मुझे कॉल किया गया है स्कूबा डाइविंग के लिए। तो स्कूबा डाइविंग यस आई एम एक्साइटेड, लेकिन देखना होगा कि अंदर जा पाता हूं कि नहीं। कहते हैं कि सिलेंडर लगाएंगे ऑक्सीजन का और फिर धक्का मार देंगे पानी के अंदर, और देखना होगा कि क्या मैं वो कर पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे तैरना भी नहीं आता। तो स्कूबा डाइविंग के लिए मैं जा रहा हूँ, और आगे जो मदद है मेरी वो इस वीडियो को बनाने में हरजीत और संयम करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि सभी के सभी लोग यहाँ पर, देखिए अब हमारे ग्रुप का कॉल है और एक एक कर लोग नीचे जा रहे हैं जिन जिन का कॉल है, और उनको देखिए कि इस तरह से ये जैकेट पहनाई जाती है जिसके ऊपर सिलेंडर लगा हुआ है, और उस सिलेंडर को लगाकर वो नीचे लेकर जाते हैं, और जो उन्होंने जो कोड वर्ड बताया उसके हिसाब से अगर नीचे आप और जाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से इशारा कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अभी तक जो लोगों को ये सिलेंडर लगाया उन लोगों ने कैंसिल ही कर दिया। नीचे जाने वाले लोग बहुत कम हैं और वापस आने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन देखते हैं अब हमारी टीम के मेंबर्स कितने वापस आते हैं और कितने इसको पूरी तरह से कर पाते हैं। 10 और ये देखिए लाइव जैकेट यहाँ पर उतार दी गई है। हाँ जी, ओके ओके ओके। वो कह रहे हैं कि 5 मिनट आपको लगेंगे अभी, तो फिलहाल 5 मिनट के लिए रुक जाते हैं। और अब हमारी टीम का देखिए कि किस तरह से नंबर आ चुका है, और सभी टीम के मेंबर्स हमारे 10 मेंबर जो हैं ये स्कूबा ड्राइव कर रहे हैं, स्कूबा डाई। और सबसे पहले सबने कहा कि पहले आप, और यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आकर्षण भाई यहाँ पर सबसे पहले जा रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि भाई वेट है काफ़ी ज़्यादा, और इस वेट को आकर्षण सर की कमर पे बांधा जाएगा, और शायद ये लग रहा है कि इस वेट के साथ ही आदमी नीचे जाता है पानी में, और ये बेल्ट में जो वेट है उसको आकर्षण सर की बांधा जा रहा है कमर के ऊपर। और कैसा फील हो रहा है सर आपको? अभी क्या फील हो रहा है? अच्छा, डर है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप कि अभी ने जो है ये काफ़ी वेट यहाँ बांध दिया इन्होंने, जिसकी हेल्प से नीचे जाएंगे। और अब थोड़ा कैमरा ऊपर करके दिखाते हैं, तो यहाँ पर जो है सबसे हमारे जो क्रू में जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनमें सबसे पहला नंबर इन्हीं का लगा है, बाकी काफ़ी सारे लोगों की जो है स्कूबा डाइविंग जो है हो चुकी है। बाकी सब लोग मना कर सके, ताकि एक्सपीरियंस अगर अच्छा ना रहे तो बाकी दूर से ही मना कर सके, भी हो गया जी। स्कूबा ड्राइविंग मतलब नीचे जाके मछलियाँ देखना, पत्थर को हाथ लगाना और वापस भी आना। सबसे पहले जो यहाँ के हमारे एबिन 24 के जो सुप्रीमो हैं वही सारे डिसीजन लेते हैं, इसलिए सबसे पहले रिस्क भी हमेशा वही लेते हैं, तो यहाँ पे भी वही है, उन्हीं का ही है रिस्क। तो उसके बाद देखते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है, वो आके बताएंगे एक्सपीरियंस क्या कुछ है। ये देख ली, सबसे पहले इन्हें चश्मा पहनाया जा रहा है ये वाला, जिसकी वजह से इन्हें आँखों में पानी नहीं जाएगा। और म्यूज़िक चला दिया गया है बोट के ऊपर लोगों के एंजॉयमेंट के लिए, और म्यूज़िक फ़िलहाल जो है चलाया गया था, लेकिन बता दें कुछ लोग साथ साथ खाना खा रहे हैं, पार्टी चल रही है, थोड़ी बियर पार्टी है। और इधर देख लीजिए ये इनको नोज़ पे लगा दिया गया है, अब इनको ऑक्सीजन सिलेंडर मुंह से ही सांस लेकर मुंह से ही छोड़ेंगे, और बाकी इनको पहले थोड़ी ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे उनको कि पानी में रख के कि भाई कैसे आपको पानी के अंदर जाना है और किस तरीके से रिएक्ट करना है, वो सारा कुछ ऊपर प्रैक्टिस करवाने के बाद ही नीचे लेकर जाएंगे। तो ये देखिए नीचे ये तो एक्सपीरियंस पूछते हैं। हाँ जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? था ही नहीं, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस जो था वो हवा हवा में रहा है, तो ये गए और ये देख लीजिए, तो ये कुछ रहता है नीचे, एक बार दिखाते हैं ये जो बेल्ट है, एक बार ये देख लीजिए इनको बेल्ट बांधी गई है, इसके वेट की वजह से ये नीचे जाएंगे। और भी ये देख लीजिए, ये हरजीत वर्मा जी, वर्मा साहब कैसा लग रहा है? वर्मा जी कर रहे हैं स्कूबा डाइविंग, और इधर देख लीजिए कर्शन जी को डलवा दिया गया है, अब मुंह में ऑक्सीजन का जो मास्क पहना कर जिससे ऑक्सीजन लेंगे, सिलेंडर का पूरा जो वो किट है उसे डलवा दिया गया है। और पीछे अभी वन बाय वन सभी के सभी, हाँ तो हाँ थर्ड इनका है और फोर्थ
हमारा है तो 3 2 1 जय माता दी करके ये जा रहे हैं पानी के अंदर। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है, क्योंकि पानी के अंदर जो प्रेशर है वो बॉडी में बता रहे हैं 1 kg के प्रेशर तक ही नीचे लेके जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जितना बॉडी झेल सकती है उतने में ही अंदर लेके जाएंगे। पर 30 से 35 फुट बता रहे हैं अंदर लेकर जाएंगे, बाकी ज़्यादा वो जानते हैं। तो अब उन्हें देखिए, उन्हें सिखा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि कैसे रिएक्ट करना है पानी में, किस तरीके से आपको बताना है, क्या आप रेडी हैं नीचे जाने के लिए, वो सब बता के उसके बाद लेकर जाएंगे। तो जब उनको लगेगा कि सामने वाले जो हैं वो फ्री फील कर रहे हैं, रेडी हैं जाने के लिए, तब उनको लेकर जाते हैं पानी में। तो उनसे पूछ रहे हैं कि हम चलें, तो ऐसे ही 1 by 1 सबको लेकर जा रहे हैं। तो इस सामने देख लीजिए, उनसे पूछ रहे हैं कि आपको पानी में कैसे कैसे रहना है, क्योंकि इतने अंदर पानी में पहली बार जब कोई व्यक्ति जाता है उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो क्योंकि पानी के अंदर जितना नीचे जाएंगे बॉडी पर उतना प्रेशर बनता जाएगा। तो ये देख लीजिए, अब उनको लेकर जा रहे हैं। तो अब उनको पूछ रहे हैं कि लेकर चलें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग करके आ चुके हैं, कई लोग ऊपर का ऊपर ही मना कर गए। अब कर्शन जी तो फिलहाल अभी नो नो ही कर रहे हैं, लेकिन देख लीजिए उनसे पूछ रहे हैं चलें क्या हम नीचे। ये देख लीजिए, ये जा रहे हैं नीचे नीचे नीचे, ये गए गए गए। तो यहाँ पर फिलहाल नीचे देख रहे हैं उन्हें ले जाकर किस तरीके से कहाँ तक वो सहन कर पाते हैं इस पानी के प्रेशर को, उसके हिसाब से उनकी स्कूबा डाइविंग होगी। क्योंकि अगर वो ज़्यादा नीचे गए फिर हमें दिखने बंद हो जाएंगे, उससे पता चल जाएगा कि वो कितनी गहराई तक गए हैं। पर थोड़ी सी मछलियाँ देख लेंगे, शौक पूरा हो जाए। तो ये देख लीजिए, अभी दिखने वो बंद हो रहे हैं तो वो ज़्यादा नीचे जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनको हैबिट पड़ेगी नीचे जाने की, तो ऐसे ही रहेगा। ये चले गए पानी के नीचे, और देखिए बुलबुले जो छोड़ रहे हैं वो ऑक्सीजन की जो भी ले रहे हैं ऑक्सीजन, वो सब दिख रही है यहाँ से। तो ऐसा एक्सपीरियंस रहता है, और ये लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि जब आप आएंगे तो अभी देखने में जैसा लग रहा है तो देखने में तो थोड़ा सा डर ज़रूर लगता है कि मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको लगे तो ये देख लीजिए, इन्हें ऊपर जो है वो ले आए हैं। तो सर को अभी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए अभी इनको कैसा उनको फील हुआ, ये उनसे बात करते हैं। तो पूछते हैं कि क्या कुछ उनको कैसा लगा, ये देख लीजिए। सर मजा, कोई भी नेगेटिव बात मत करना, पॉजिटिव करनी है बस। मैं तो सुनी नहीं कोई भी नेगेटिव बात। चलो हरजीत जी को जाना है, जब कुछ भी हो हरजीत जी की तैयारी हो रही है। तो अब नंबर है हरजीत जी का, ये सेकंड वो हैं। तो सबसे पहले एक मिनट, उससे पहले एक बार जरा इनको कर्शन जी को देखते हैं, पहले उनसे देखते हैं वो क्या बोलते हैं। अभी तो वो आए हैं, मेरे को लग रहा है हाथ हिला के आए हैं ये। तो अभी उनसे क्वेश्चनिंग ना करके देख रहे हैं। कोई बात नहीं, रोकनी नहीं है। तो क्योंकि कानों में सबसे ज़्यादा उन्होंने एक चीज़ पहले हमें बता दी थी कि कानों में बहुत प्रेशर फील होता है, कानों में बहुत प्रेशर फील होता है। क्या पूरा कंप्लीट हुआ है? कंप्लीट हो गया है। तो देखते हैं जो सेकंड कमर जा रहे हैं हमारे हरजीत जी, वो तो एडवेंचर काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं, उनको एडवेंचरस बंदे हैं वो। तो हरजीत जी हैं, अब देखते हैं कि वो कितनी देर रहते हैं। अब नंबर है हरजीत जी का, तो उसके बाद साक्षी का नंबर है, और फिर उसके बाद है कैमरामैन का नंबर। कैमरामैन देख लो, यही है कैमरामैन, ठीक है। तो ये महक जो है उसका भी दिल कर रहा है, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है महक का दिल कर रहा है। महक यहाँ तक आ चुकी है, महक यहाँ तक आ चुकी है। तो यहाँ पर जो है, तो अब देख लीजिए, अब हरजीत जी का नंबर उन्हें दी जा रही है ट्रेनिंग किस तरीके से पानी में रिएक्ट करना है। अब ये देखते हैं हरजीत जी किस तरीके से करते हैं। तो उनको पूछ रहे हैं, उनको नॉर्मल करेंगे पानी में ले जाके। ये जैकेट निकालनी पड़ेगी ना? तो ये जो लाइफ सेविंग जैकेट है उसे निकाल दिया जाता है। WhatsApp नंबर बताओ। ये देख लीजिए, ये गए पानी के अंदर 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 अंदर। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये पानी के अंदर
जा रहे हैं मुआवजे के लिए घर वालों को फोन। तो देखते हैं हरजीत जी कितनी देर में आते हैं बाहर। तो मालिक जी आकर्षण जी की वीडियो बन गई थी क्या? आकर्षण जी की वीडियो जो नीचे बनती है अंडर वाटर बनी है वीडियो, बाद में मिलेंगी वो हमें। अच्छा मिलेंगी हाँ। तो वो वीडियोस जो हैं वो मिलेंगी, पानी के अंदर वीडियोस भी बन रही हैं। ये देख लीजिए ये आ गए हरजीत जी। तो इनका भी हो गया है, तो पूछते हैं कि कैसा कुछ एक्सपीरियंस उनका रहा। तो क्योंकि नमक वाला पानी है सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है, नमक वाला पानी है। और बात यही है कि नीचे दब के जाओ ना। और बता दें कि अगर ये पानी आंखों में जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, जलन होती है। नमक कुछ नहीं है यार, क्या है? क्या क्या था, कैसा लगा, कैसा लगा? बच्चों का खेल क्या है? कुछ भी नहीं, ऐसे लूट लिया और नीचे तक लेके गए, बड़ा मजा आया। मजा आया, फुल एंजॉय। चलो, और वो देखिए मछलियाँ दिखी, मछलियाँ दिखी, बिल्कुल दिखी। और आपकी वीडियो बनी? हाँ वीडियो बनाई है उन्होंने और काफी मजा आया, बिल्कुल भी मुझे तो फील ही नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा लगा जैसे कि नीचे गए हैं, कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। बीच बीच में वो पूछते रहे आपसे कि आप कैसा फील कर रहे हो? नहीं, पूछने का तो होता नहीं, इशारा कर रहे थे। वही इशारा कर रहे थे आपको, जो तीन साइन दिए उन्होंने, ये वाला साइन किया था, ये साइन आप ये देते रहे कि मतलब ओके ऐसा। ओके, 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 ओके। तो ये देख लीजिए, ये बढ़िया है, सब लोग पार्टी भी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये बोट के ऊपर देख लीजिए और सब कुछ है, बनानास दे रहे हैं, इधर डियर जो है वो दे रहे हैं। और ये नंबर आ गया साक्षी का, जय।